इन दिस एक्ट, और उस बेसिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। लफ्जों में रस नहीं तो क्या, आंखों में आंखों से ही थोड़ी इज्जत एक और। हाँ, हम डेवलपिंग कंट्री है, बहुत एजुकेशन कम है, स्टिल वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर डेवलपिंग। I'll consider that. If a girl is wearing short dress, she will get raped. But you tell me, what's the problem with a 7-year-old girl? वो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज में डिसीजन दिया है फेवर ऑफ द वीमेन, और गाइडलाइंस आई जिसको हम बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस के सो दैट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट दे कैन नो व्हाट दे कैन डू, की जरूरत है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज बनाई गई। तो एक छोटा सा एक्ट है, क्लीन एनवायरमेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट इनको फराहम करना है। ओके, जो है दीगर हमारे जो यहाँ पे औरत है जो किसी इंस्टीट्यूट में काम करती है, जो कि किसी भी अंडरटेकिंग में काम करती है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट इदारा हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो, सेमी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हो, उसमें जो हमारी माएँ बहनें जो है काम करती हैं, उन्हें अगर किसी भी किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट का अगर कोई केस होगा तो वो किस तरह से उसमें टेकल करेंगी, वो किस तरह से अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करेंगी। साथ ही हमने ये अवेयरनेस भी दे दी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट रिड्रेसल कमिटीज़ जो है उनका जो चुनाव करना है, उनका कंपोजिशन करनी है। हमने इन ख्यालात का जो है आज यहाँ पे इजहार किया। मैसेज ये रहेगी जो हमारी सोसाइटी के मेम्बरान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स से ये मौजबाना गुजारिश करना चाहेंगे कि जो जो भी हम इन प्रोग्राम्स में उनको बताते हैं, जो भी अवेयरनेस हम उन्हें देते हैं, वो इन चीज़ों को, वो इन नुकात को आगे ले जाने में अपना अहम किरदार अदा करें। वो जब शाम को डिनर पे बैठे तो फजूल बातें करने से बेहतर होगा कि वो घर वालों को बता दें, पेरेंट्स को बता दें, अपने छोटे जो सिबलिंग्स होती हैं, कज़िन्स होते हैं, उनको ये बता दें कि हमने आज जो है हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में जो है हमने क्या सीखा। हाँ जी, क्योंकि हमने जो आज यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है तहसील लीगल सर्विस बिरवा के ज़ेर एहतमाम, हमारा जो आज यहाँ पर प्रोग्राम था जिसका जो मदा वो मकसद था, जो हमारा जो टॉपिक रहा है वो सेक्सुअल वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस। तो इस मद्देनज़र और ये टॉपिक लेकर आगे जाके हमने इनको थोड़ा बहुत आगाह किया और इनको रोशनास करवाया कि क्या कानून है इसमें, और जो कानून साजी इसमें जो नहीं आई है, और कितना कानून ने किस तरह इस इशू को कोप किया है, और क्या इसमें प्रोहिबिशंस है, और कहां पर प्रोटेक्ट किया गया हो, और किस तरह से कानून ने एक एटमॉस्फेयर, क्लीन एटमॉस्फेयर एक वुमेन्स की